सिंधीभ्यः प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो तव साहूणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेवी कजराज श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी कजराज श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलकोटि महामुनिराजों की, भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना ही हमारे कल्याण का साधन है। कारण विपरीत था तो कार्य भी विपरीत हो गया। कार्य विपरीत हुआ है इसका तात्पर्य है कारण विपरीत था। विषय समझना, कोई बच्चा आगम डॉक्टर बनना चाहता है और पढ़ाई कर रहा है आदर्श वो सीए की, बनना क्या है, पढ़ाई कर रहा है और परीक्षा दी उसने एमबीबीएस की, बताओ पास हो जाएगा, पास हो जाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कारण विपरीत है, क्योंकि कारण विपरीत है। जाना है मोक्ष, बनना है मुनि और दीप, तुम दवाइयां बेच रहे हो। कारण विपरीत है, कार्य भी विपरीत हो जाएगा। मुक्ति को प्राप्त करना है और संसार के संबंधों में लगे हैं, मोक्ष का मोक्ष हो जाएगा, यानी मोक्ष का मोक्ष हो जाएगा, यानी मोक्ष आपसे दूर हो जाएगा। चक्रेश भैया, कारण सही होगा तो कार्य भी। माँ आप लोगों ने रोटी बनाई है, आप लोगों ने रोटी बनाई है पक्का, नमक की रोटी बनाई है, हैं? नमक की रोटी बन जाएगी रितेश भाई, नमक की रोटी बन जाएगी, क्यों नहीं बन सकती? नहीं नहीं केवल नमक की विमल भाई, सिर्फ नमक और नमक और नमक, उसकी रोटी बनाओ नहीं बन पाएगी, क्यों है? कारण भाई आटे की बना लोगे आप, चावल की रोटी बना लोगे, चावल की रोटी खाई नहीं खाई, कन्नड़ में कहते उसको अक्की की रोटी, अक्की 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 यानी होता है चावल का आटा, उसकी रोटी बनती है एकदम सफेद होती है, उसकी रोटी बन जाएगी। मूंग की दाल का आप पीस करके आटा बना लो उसका, उसकी रोटी, बेसन की सबकी बन जाएगी, नमक की
चलो कोई बात नहीं, मिट्टी की रोटी बना दो। अच्छा नहीं बन पाएगी, मिट्टी की रोटी भूलना शहर सागर जी, मिट्टी की रोटी कैसे बन जाएगी? मिट्टी 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 की रोटी नहीं बन पाएगी। अच्छा कपड़े की बना लो, हैं? आकृति तो आप किसी बना लोगे, कारण चाहिए कार्य की पूर्णता के लिए। आज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, कौन कौन है जिसका मदिरा का त्याग है? विषय गंभीर है। मदिरा कौन कौन नहीं पीता? दिव्यांशु पीते हो? सब पीते हैं। कौन कौन मदिरा नहीं पीता? दिव्यांशु पीते हो क्या आप लोग? ना पीते हो? चलो एक विषय बीच में और ले लेते हैं। कितनी माताएं हैं जो गुटखा खाती हैं? गुटखा नहीं, आप बिल्कुल नहीं घबराओ, अच्छे से पूछ रहे हैं। कितनी माताएं हैं जो गुटखा खाती हैं? कभी त्याग किया? त्याग किया बुद्धिपूर्वक? चलो आज कर दो त्याग कि गुटखा कभी नहीं खाएंगे। बीड़ी वगैरह कोई पीते हैं आप लोग? नहीं पीते तो त्याग है क्या? सो त्याग कर दो, नौ बार नमोकार पढ़ लो, सप्त व्यसन का त्याग कर दो। चलो विषय बनाते हैं। आगम पीते हो तुम? मदिरा पीते हो पक्का? अब सुनो भाई, दृढ़ चित रहना। बीरू मदिरा नहीं पीता ना, अभी वो बोलेगा मैं पीता हूं, ध्यान से सुनना। मदिरेव मोह जन का कहा आचार्य भगवान ने प्रश्न किया, गर्दन परमेश्वर ने, हे भगवान मदिरेव मोह जन का, मदिरा के समान मोह उत्पन्न करने वाला कौन है? तीर्थंकर भगवान की वाणी क्या खेरी, स्नेहा। क्या कहा? मदिरा के समान मोह उत्पन्न करने वाला कौन है? स्नेह राग। आज इस पर चर्चा करते हैं। मदिरा नहीं पीते ना, दो मदिरा होती हैं, एक यहां से जाती है एक यहां से जाती है। आचार्य भगवान अमृत चंद स्वामी कह रहे हैं मदिरा तो नहीं पीते लेकिन मोह की मदिरा तो 24 घंटे लगाए रहते हो। वो मदिरा पीने वाला श्रेष्ठ है उमेश भैया, कम से कम रात को उसकी सुबह उतर तो जाएगी, नींबू खिला दोगे तो उतर तो जाएगी। हमने पी नहीं है भीरू, सुनो। नहीं तुम बोला आपको कैसे पता, सो तुमको कैसे पता? इसका मतलब इनने लगाई है कि या पर किसी को लगाते हुए देखा है। छोड़ दी नहीं छोटी तो कितने की हो गए फिर? मतलब आप पुराने खिलाड़ी हो। सुनो अच्छा सुनो सुनो गुट्टाई चाचा, नाम क्या है इनका? गुट्टाई नहीं, नाम क्या है? अतुल, अरुण। इतना अच्छा नाम है अरुण, लेकिन देखो राग, जब तक कोई गुट्टाई नहीं बोले तो इनको मजा नहीं आता। यही तो मोह की मदिरा है राजू भैया। मोह की मदिरा पी की नहीं? नहीं पी। अभी अभी भी नशे में हो कि नहीं? उसके मंदिर में आते हो मदिरा का सेवन करके आते हो अंकुर, हैं? जी कह रहे हो हैप्पी? सुन अंकुर भैया को भगवान से उतना राग नहीं जितना भतीजी से है, नहीं है? नहीं है? अरे बेटा सुनो, कहीं तुम्हारी दीक्षा में तुम नहीं रोना उसकी जगह? अपने अपने भावों को पकड़ो। हम मदिरा तो नहीं पीते क्योंकि वो उन्मत्त बनाती है, लेकिन राग की मदिरा चल रही कि नहीं? वीरू अभी तेरा बेटा निकल जाए यहां से, देखो फिर एक बार मुंडी घूम ही जाती है। आ गए हैं हमारे भैया, आ गए
बुंदेलखंडी में भैया याने जिससे प्रीति होती है उसको क्या कहते हैं? भैया। अतिशय भैया, आपके परिवार में एक नया मेहमान आया है कुछ दिन पहले, आया ना, राग बड़ा कि नहीं? बेटा यही तो मदिरा है। वो मदिरा कह रही है आपसे, निखिल मैं तुमसे अच्छी हूं, मेरा नशा 24 घंटे का ही है, लेकिन देखो जो मदिरा तुम पी रहे हो वो भवांतर में भी साथ में उसका नशा जा रहा है। मां उस मदिरा का नशा नहीं होता ना तो आप इस पर्याय को प्राप्त नहीं करते। जिनको भी आपने जन्म दिया है पूर्वभाव का राग था उसका भी आपका भी, इसीलिए वो आपके कुक्षी से जन्म को प्राप्त किया उसने और आपने उसको जन्म दिया है। राग की महिमा बड़ी विचित्र है। व्यक्ति राग के लिए प्रमोद भैया कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। विमल भाई राग खतरनाक है कि द्वेष है? चक्रेश भैया राग खतरनाक है कि द्वेष? एक कड़वा जहर है एक मीठा जहर है, खाके मरना दोनों को ही है। बोलो भीरु जहर खाते हो? राग का जहर खा रहे कि नहीं? राग की मदिरा अभी तुम्हारे अंदर उन्मत्त कर रहे कि नहीं? जितना आप अपने बारे में नहीं सोचते उतना जिसके प्रति राग है उसके बारे में निरंतर सोचते हो। इसलिए चक्रेश भैया आज से राग को पृथक करने का प्रयास चालू कर दो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस वस्तु या व्यक्ति से राग है वो व्यक्ति या वस्तु नहीं दिखेगी, फिर तुमको संक्लेशता होगी। संक्लेशता होगी, निश्चित होगी। प्रवीण भैया जिस भी व्यक्ति से राग है, चाहे पुत्र हो पुत्र की मां हो, चाहे घर हो दुकान हो पहनने का वस्त्र हो वाहन हो कुछ भी हो, जिस भी व्यक्ति या वस्तु से राग है पी, बेटा आज से उससे दूर होना चालू कर दो, वरना कहीं आयु बंद हो गया और व्यक्ति या वस्तु के राग में गए तो उसी प्रदेश में जन्म लेना पड़ जाएगा, उसी प्रदेश में जन्म लेना पड़ जाएगा। देखो कुछ मक्खियां गुड़ पे लगती हैं, कुछ मक्खियां मल पर लगती हैं, कुछ मक्खियां शरीर पर भी लगती हैं और शरीर के विशेष अंगों में भी लगती हैं। विषय समझना उमेश भैया, क्या दशा है राग की जीव की? देखो आप मोह महामद भैया ये तो बोलते आ रहे हो, छोड़ा कहां है? अच्छा आपने पूजा कितनी उम्र में चालू की थी? पूजा अभिषेक करना आपने कितनी उम्र में चालू किया था, प्रारंभ किया था? हैं 21-22 साल, उस समय विवाह हो गया था? इसका मतलब पूजा जो आप कर रहे थे वो शाब्दिक थी, आंतरिक या मानसिक नहीं थी? बोलो सत्य की नहीं? हे भैया थोड़ी ऐसे हो जाओ, बोलो बोलो सही है कि नहीं? मोह महामद पियो अनादि, बोलने में तो बढ़िया लगता है। तत्वार सूत्र का पूरा अध्याय याद है विपुल तुमको? तो उसमें भी तो आता है मैथुन ब्रह्म अनुगतो गारी, सो पढ़ा है कि उतारा है जीवन में? बोलो पढ़ा है। उसमें वो भी तो आया है कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, पढ़ा है कि उतारा है? उतारा होते तो ये उतर गए होते जो पहने हो, पढ़ा है। लेकिन आपका ज्ञान ऐसा राग से आवृत है प्रमोद भैया, ऐसा मुंह की चासनी लगी है कुछ भी कर लो महाराज जी, हम लोग तो वज्र के हैं, बोले बदलेंगे नहीं। सुन भाई अभी बचे हो,
जिस दिन बेटा हो गई ना, फिर उस दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। मिल लो वीरू से, तुम जिन जिन की हो गई उन सबसे मिल लो, आगे पीछे आजू बाजू बैठे सबसे मिल लो तुम, और फिर हमसे भी आके मिल लेना। बेटा एक बार मांग भरोगे, जीवन भर मांग पूरी करते रहोगे। मिल लो तुम प्रमोद भैया, सही है। एक बार तुमने ऐसा हार क्या पहनाया, तुमने पूरे जीवन ही हार गए अपना। वीरू सत्य की नहीं नहीं है, कितना खुश होके बोल रहा है, बोले सत्य भैया। अभी भी तुम मोह की मदिरा के मद में लीन हो, इसलिए सुन रहे हो, अंदर नहीं जा रहा। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। बालक ही रह जाओगे तो आनंद रहेगा, संतान बन के ही रहो तो सुख रहेगा। सुनो वीरू, वीरू और विवेक आया क्या अपना? नहीं आया। भैया का नाम क्या है तुम्हारे? नाम क्या है? वीरू और अंकित बैठे थे दोनों। देखो बुरी तो नहीं लगेगी अंकित, बोल दें। बुरी तो नहीं लगेगी भैया, बोल दें। पक्का? सो लग जाए तो छूट जाए तो आ जाना। वीरू और अंकित बैठे थे, सो वीरू कहता है अंकित से, अरे क्या बताएं यार, जब से शादी हुई है बोले समस्या बढ़ती जा रही, घट तो रही नहीं है बोले यार। सो बोले यार ये भी हम, ये तो हमारे साथ भी है बोले यार। क्यों, दोनों की ससुराल एक ही जगह है क्या? बोले नहीं नहीं एक जगह नहीं है। बोले लेकिन भाई दोनों चला तो एक ही माल रहे हैं। सो भाई क्या करें? तो अंकित बोलता है, बोले भैया हम तो बहुत परेशान हैं, हमारी बीवी ऐसी है कहीं बोलो तो सुनती नहीं है, इस कान सुनती है इस कान से निकाल लेती है। तो बोले भैया ठीक है तुम्हारी, बोले हमारी तो सुनती दोई से है और निकालती मुख से है। तो प्रमोद भैया बीच में कूद पड़े, बोले भैया तुम्हारी तो और अच्छी है, हमारी सुनती कान से है निकालती हाथ से है। और बोल रहे बढ़िया खुशी खुशी, और जाएंगे कहां? वहीं फिर से। ये मुंह की मदिरा है, किसी मदिरा पिए को कभी नहीं देखा। हम लोग बिहार कर रहे थे, गर्मी का बिहार था, एक व्यक्ति गर्मी और महाराष्ट्र की ऐसी सड़ी गर्मी से ऐसा याद करो, और नदी का पुल था, पुल के इस तरफ दोनों तरफ पत्थर लगे थे, गरम चीप जैसे पत्थर कि आप पैर रख सकते, और दोपहर में 12 एक बजे वो व्यक्ति सो रहा, उस पर बढ़िया सिर के नीचे कपकड़ लगाया और बढ़िया खराटे मार के सो रहा है। तो फनी था हमारे साथ, हमने कहा अरे फनी यार, ये कौन सी दवाई खा के लेटा है, इसको गर्मी ही लग रही यार। बोले महाराज जी इसने बाटल लगाई है पूरी एक। हमने वही उठा के किनारे कर दो, गाड़ी वाड़ी निकल गई तो उस व्यक्ति को कोई होश नहीं है कि गाड़ी निकले सो और हम कहाँ हैं सो। अंकित तुमको होश है, तुम कहाँ हो? होश है? नहीं है, अभी तुम भी बेहोश हो। पूछो ना पड़ोसी को, साधुओं की सेवा में तो लग रहे भैया आप, थोड़ी और विचार कर लेते तो आपकी भी सेवा हो जाती। अभी भी विचार कर लो, अभी कोई लेट नहीं हुए। जो जो निपट गए हैं वो भैया, जो नहीं निपटे हैं उनको अच्छी सलाह देना। चक्रेश भैया तुमने सनी को तो निपटा दिया है, सो बेचारा आगम बचा है, अभी हर्ष बचा है, आदर्श निकल तुम लोग बचे हो, दिव्यांशु बेटा बचे हो अभी। सुनो गुट्टाई चाचा, तुमने गैल में तो कर ली लेकिन कर का लाओ छो, कोई मतलब नहीं है, फंसे ही हो तुम। सुनो दिव्यांशु, मोह की मदिरा को देखो बेटा, विषय गंभीर है। एक बार मांग भरोगे तो गंभीर हो, जीवन भर मांग भरना पड़ेगी। अब वो चाहे एक मोबाइल गीला हो चाहे 10 हो, लाना तो पड़ेगा। तुम अभी नहीं लाओ,
कहीं ना कहीं एक बार तो फंदा पड़ेगा तुम्हारे गले पे, तुम बोल दो हाँ ठीक है कल ले आएंगे। सत्य है, हार पहनाएगा बेटा आदर्श, तो हार मान गया तो समझ ले। निखिल मांग भरेगा बेटा तो जिंदगी भर मांग पूरी करना पड़ेगी, पहले देवी की, फिर बच्चों की, फिर उनके बच्चों की, तेरी मांग का क्या होगा? तेरी आत्मा जो मांग कर रही है उसका क्या होगा? बोल विपुल, अभी नहीं लगता व्यक्ति को, अभी नहीं लगता, पीने के बाद लगता है उसको, क्या चढ़ गई, बोले गलत किया, पीना नहीं थे। तुम पिए क्या? बुट्टा ही चाचा इनने तो पिए ना, पीने के बाद लगता है गलत किया, नहीं पीना थी, चढ़ गई है। भांग खाओ तब तक तो ठीक है, जब वो चढ़ती है तो फिर देखो 40 रोटी भी हो जाए तो पता ही चलता, फिर उसके बाद उतरती है जब, क्यों मामा? मामा तुमने भी पी है कभी? कभी नहीं पी, देखो झूठ नहीं बोलना भाई, कभी तो पी होगी, नहीं तुम घबराओ नहीं, बहुत है ऐसे यहां पर जो बोल नहीं रहा लेकिन पी है, मतलब पी है, बैठ जाओ। अरे वो वाली नहीं पी तो मोह की तो पी है ना, तभी तो तुमने एक बार पी है, तुम दो ही को टांगे घूमते रहते हो, एक को ऊपर एक को नीचे, अतिशय। बेटा इस उम्र में निर्णय कर लोगे तो सुखी रहोगे, क्या बनना है क्या करना है, अभी निर्णय नहीं लोगे ना फिर जीवन भर तुम्हारा अनिर्णीत अवस्था में जाएगा। निर्णय लेना कठिन है कि सरल? निर्णय लेना कठिन है, कार्य तो सब सरल है। निर्णय ले लो आगम, हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, निर्णय ले लिया अब पढ़ाई सरल हो गई है, और निर्णय नहीं लिया तो ये करें कि वो करें, नहीं निर्णय ले लो। क्या निर्णय ले लो? कि मैं कभी मदिरा नहीं पीऊंगा। पियोगे पक्का? वीर उतना तो नियम ले सकते हो कि जहर नहीं पीऊंगा, आज से जहर नहीं पीऊंगा, नियम ले सकते हो पक्का? पक्का सोच लो तुम। हैप्पी तुम नियम ले सकते हो कि जहर नहीं पीऊंगा पक्का? भाई सोच लो एक बार तुम कैसर करने के पहले, हैं? सोच लिया फिर बेटा प्रमोद भैया से मिल लेना, विवाह एक जहर ही है और कुछ नहीं है। सोच लिया दीप, जहर खाओगे हैं? क्या बोल रहे? हाँ नहीं खाओगे पक्का? तो मतलब इस बार संख्या बहुत बढ़नी चाहिए फिर हम लोगों की। बोलो 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 विपुल, जहर खाओगे? कोई व्यक्ति है आर्यन, वो गिलास में उसके सामने तुम जहर डालो, मतलब ये पियो, पिएगा कौन? पिएगा वो जो मदिरा में डूबा होगा, वो भी नहीं पिएगा, बोले भैया जहर नहीं पीना हमारे लिए। लेकिन क्या खुशी खुशी, देखो रोज बैंड बाजे की आवाज नहीं आती बम फूटने की, फिर विभूत कहता है कि उसके यहां चल रही है, सही है? कौन कौन है जहर नहीं पिएगा? एक हैप्पी, तुमको क्या टेंशन हो रही भाई, तेरे से कह रहे क्या पीने के लिए? जहर से क्या तात्पर्य है? दीप ने हाथ नहीं उठाया अभी तक, उठाएगा भी नहीं। देख भाई जिन मंदिर में हो विपुल, जहर पियोगे? कुछ नहीं बोल सकते, बोले महाराज जी क्यों? हाँ बोलेंगे तो गए हैं और ना बोलेंगे तो गए हैं। अजित तुम जहर पियोगे पक्का हैं? देखो तुम बीच पिक्चर में एंट्री मारी है भाई, तो स्टार्टिंग निकल चुकी है, बस ट्रेलर भी निकल चुका, सब निकल चुका, पिक्चर की एंडिंग है। जहर खाओगे कभी पक्का? विषयों का विष पियोगे कभी? शादी करोगे कभी? वासु ओ भाई करोगे? आपके पीछे क्या नाम है, क्या नाम है? रेशु, रेशु जहर पियोगे? बोले मारे चख लेंगे, है नहीं?
तो भी नहीं बचोगे भैया, बेचारा बीरू चकने के चक्कर में तो निपट गया। क्यों अंकित भाई, जहर का त्याग कर सकते हो आज? तो भाई स्पष्ट मना कर, बोले नहीं भैया महाराज जी अब तो नहीं हो पाएगा। मामा मामा बोलो, पीते हो? देखो प्रदीप प्रवीण भैया, ये युवा पीढ़ी है, ये नींव है दादा, भविष्य की समाज की यही नींव है। इनमें से कोई वैरागी भी निकलेंगे, कोई भीतरागी भी निकलेंगे, इनमें से कुछ जिन शासन की सेवा करने वाले भी निकलेंगे, कुछ स्वाध्यायी भी निकलेंगे, समय दे दो सब निकलेंगे। श्रीपाल भैया आपने तो पी लिया ना जहर, कम से कम अपने बच्चों को बोल देना बेटा आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना, लेकिन उसको एक बार जरूर बोलना बेटा नहीं करो तो अच्छा है, लेकिन हम तो पछताए हैं, ऐसा जरूर बोलना। भले ही कर देना आपकी जो जिम्मेदारी करो आप। राजू भैया, प्रवीण भैया एक बार सौमिल को बोल देना, बोलना बेटा नहीं करो तो अच्छा है, सत्य मार्ग सत्य है कि नहीं, मार्ग सत्य मार्ग तो यही है, बाकी आप तुमको जैसा लगे सो करो, क्योंकि जिसको राग है सो उसको आप भगा सकते नहीं, जिसको बैराग है भी उसको कोई रोक सकता नहीं, पक्का है। देखो ना दीप ने कहां हाथ उठाया, देख भाई भावुकता में नहीं उठाना, एकदम भावनाओं को दृढ़ करके उठाना। बोल विशु जहर खाओगे? खाओगे? वो तो रास्ते ही देख रहे हैं मामा, कब परोसो तुम जहर? सुन मेरे भाई अभी मुस्कुरा ले, आखिरी बार मुस्कुरा ले, जिन जिन की हो गई उनसे मिलना। लगता है कि सुख है लेकिन वह राग तुमको दुख ही देता है, जैसे आचार्य वीर नंदी स्वामी ने चंद्रप्रभ चरित नाम का काव्य लिखा है, बहुत सुंदर काव्य है, उसमें क्या उपमा दी है, एक तलवार है उसमें शहद लपेटी हुई तलवार है, जब भी चाटोगे तो जिह्वा तो कटेगी नहीं कटेगी, लेकिन व्यक्ति को जिह्वा कटने का आनंद नहीं आ रहा, उसको किसका आनंद आ रहा है, शहद का। यहां कहीं संसार दर्पण का वो चित्र लगाया क्या, एक व्यक्ति पेड़ में नीचे लटका है, नीचे सांप है, हाथी पेड़ ला रहा है, देखा कभी, हाथी पेड़ ला रहा है, मधुमक्खियां उसको काट रही हैं, चूहे डाल काट रहे हैं, ऊपर से कोई विमान दिख रहा है, देखा कभी नहीं देखा, हाँ मंदिर में है नहीं देखा, उसको देख लेना आज। वो बेचारा भाग रहा था बचकर किससे, हाथी से, पेड़ बिछड़ गया सो हाथी ने पेड़ को मारा धक्का, सो बेचारा नीचे गिरा तो उसने डाल पकड़ ली। अब ऊपर से देव आया विमान लेकर के, विद्याधर आए विमान लेकर के, भैया चलो आदर्श चलो, सो आदर्श कह रहा है बस एक बूंद और आ जाए तो बस अब भी चलता हूं मैं शहद, जैसी हाथी ने पेड़ हिलाया सो मधुमक्खियां उसको काटने लगी, सो एक बूंद ऊपर से गिर गई वीरू, सो क्या सोचता है, आ मजा आ गया, कितनी देर में एक बूंद गिरी है, 15 मिनट में। अब वो रास्ता देख रहा है किसकी, फिर से एक और बूंद की, सो विद्याधर कह रहा है भैया चल, कहां फंसा है, हाथ दे रहा है, अरे भाई एक बूंद और ले लेना तो बस फिर चलता हूं, मधुमक्खियां काट रही हैं उसको, उसका कोई डर नहीं, मधुमक्खियां तेरे संबंधी मधुमक्खियां हैं काट रहे हैं, उसका कोई विकल्प नहीं बिमल भाई, उसको चूहे रस्सी डाले काट रही हैं, गिरने वाला है कहां, चारों गति के पंच परावर्तन के परिभ्रमण में गिरने वाला है, निगोद का अजगर मुख खोले बैठा है, फिर भी एक बूंद और ले लें दो। वो विद्याधर ने बहुत देर तक प्रयास किया, एक बूंद आने का उसने कहा बस एक और ले लें दो चलते हैं, बस बस खत्म हो गई, बस करते करते उसका जीवन खत्म हो गया। भैया विद्याधर तुम्हें लेने आए हैं, चलो चलो बस बस महाराज एक बूंद और ले लें दो महाराज, बस क्यों वीरू एक बूंद और बस फिर मैं चलता हूं। बेटा
उस बूंद के चक्कर में मधुमक्खियां तुझे काट रही हैं, उसका पीड़ा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि राग की मदिरा चढ़ी हुई है। कभी देखा किसी को? सुना तो आप लोगों ने है ना कि जो मदिरा पिया हुआ है वो नाली का पानी भी पी जाता है, सुना है ना कि? देखा भी है, देखा है। सो हमने देखा है, सो नाली में डला था, उसने पहले मल किया, दोने में अपना मल रखा, आदर्श खा रहा है वो अपना ही मल, ठीक। स्वान उसके मुख में लघु शंका कर रहा है। जबलपुर में राइट टाउन करके एक है, चौथा पुल कहलाता है, वहां की घटना बता रहे आपको। वो लघु शंका उसके मुंह पे कर दी स्वान ने, मालूम क्या कर रहा है? आ मजा आ गया, मजा आ गया। बीरू पागल है कि नहीं? वो तुम क्या नहीं हो? तुम्हारे बेटे ने कभी तुम्हारे पर की नहीं की? बेटे ने की तो खुशी हो रही है। बेटा तुम दूध पिलाए बेटे को बचपन में, उसने उल्टी कर दी तुम्हारे ऊपर, तो तुमको खुशी हो रही है, और उसको तुम पागल कह रहे हो। सत्य है दीप, सत्य है भाई। तेरे को तो कोई विकल्प ही नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब है कि चले गए? डॉक्टर साहब दीप को बैराग हो जाए तो क्या बोलोगे आप? अगर नहीं, दृढ़ वैराग हो गया है सच में, तो आप उसको मना तो नहीं करोगे? नहीं, दृढ़ वैराग है ना, दृढ़ वैराग वो एकदम आदर्श मुनि बनने के उसके भाव हैं, और बन भी सकता है, तो आपके क्या विचार है? हाँ? फिर आपको भविष्य में कौन दिखेगा? वीर दीप भाई, पापा को तो वैराग हो गया, तुम्हें नहीं हुआ है। पापा तो कह रहे सो ले ले दीक्षा, लेकिन दीप सोच रहा है कुंडली टीपनी निकलवाओ। टीपनी क्या बोलते? निकल गई? अच्छा निकल गई है, कोई बात नहीं। दीप भगवान नेमीनाथ का मोक्ष का लड़क था, उनकी टीपनी नहीं, उनकी तो सगाई हो गई थी, फिर भी वो बच गए कि नहीं? अरे आखिरी में ही सही, बच तो गए। भगवान का कल्याणक संदेश दे रहा है, आपको उपदेश दे रहा है, भैया स्नेह मत करो। स्नेह करते करते बेचारे कितना भटके, कितना भटके, स्नेह छोड़ दो, तुम्हारा भटकन से तुम बच जाओगे। मां देखो ना राग की महिमा, सुंदर शरीर था ना, संतान को जन्म देती कमजोरी आ जाती कि नहीं? नहीं आती। लेकिन राग की महिमा देखो, आपको वो पीड़ा भी पीड़ा रूप नहीं दिखती। क्यों? मोह की मदिरा का ऐसा नशा चढ़ा है ना, उतर ही नहीं रहा। जिन वचन सुन के भी नहीं उतर रहा है, आप सोच बेटा निखिल कितना तेज लगा होगा नशा। गुड टाइम चाचा, कौन सी कंपनी की पी है तुमने? अरे जे वाली नहीं भैया, वो जो मोतरी नहीं अभी तक मोह की, इनकी शादी कहां हुई है? बस मोहनगढ़ की इनको ऐसी चढ़ी है, सोतरी नहीं आज तक। अन्नु आया क्या? देख ले बेटा अन्नु ऐसी चढ़ी है। ये राजकुमार भैया कह रहे भैया उतार ले, पीठ में हाथ फेर रहे हैं, सुबह उतार ही नहीं रहे। आपका समय हो गया, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम भी बोल बोले महाराज आप तो भूलो, जल्दी खत्म करो, धोती बदले फिर अपन चले कहां? अरे आर जल्दी हो जाए तो भ्रम जाए फिर मोह की मदिरा फिर से पीने। बेटा अंकुर सत्य बता रहे हैं, मुनि बनना सही में बहुत सरल है, चित्र मुनि बनना तो और सरल है। एक बार आहार करना बहुत सरल है, केस लॉन्च करना बहुत सरल है, पी पैदल बिहार करना, गर्मी में कपड़े उतार के चलना, यह भी बहुत सरल है, लेकिन अंतरंग में मुनित्व होना ये बहुत कठिन है। सब दीक्षा ले रहे हैं, सो कहीं तुम भी ले लो, सुदीप ने भी ले ली भाई। देखा देखी नहीं करना, अंदर का गुरु दिख जाए, अंदर का प्रभु देखना हो सो कर लेना। तुम फिर निर्णय कर लो क्या करना है। जहर पियोगे? समय हो गया आपको, हम छोड़ रहे बस। विष पियोगे?
अब देखो विपुल विष पियोगे? बोले इसलिए तो हम आते नहीं है, बोल दो। अतिशय विष पियोगे? उमेश भैया इस पर आए फिर से विष पियोगे? अरे फिर से अजित विष पियोगे? बोले महाराजी इच्छा तो नहीं है लेकिन अब क्या करें, पी नहीं पड़ेगा। ऐसे बता रहे जैसे जबरदस्ती कोई वूमेन के पिला ही रहा हो विष। ये बोलो हम रुचि पूर्वक पी रहे हैं। राजू भैया अब इस बारे में विचार करना, ये मत सोचना काम बिगड़ गया है, ये मत सोचना, अब ये सोचना कि काम संभले कैसे, ये मुख्य विषय है। काम बिगड़ गया वो मत देखो, काम संभले कैसे। मां आपने आटा गूंथा और पानी ज्यादा हो गया फिर तो हैं? और आटा डाल दोगे पक्का। और आपने कहीं दाल सब्जी बनाई और नमक ज्यादा गिर गया तो हैं? क्या करोगे हैं? अरे ये तो बताओ क्या करोगे, पानी ज्यादा डाल दोगे तो दाल तो पतली हो जाएगी फिर हैं? अरे बताओ कोई कुशल गृहिणी है? हमने बनाई नहीं लेकिन हम बता देंगे हैं? बताओ बताओ मां क्या करोगे हैं? ये बात, इसकी ताली बजाओ। अगर दाल बना रहे हो और नमक ज्यादा गिर गया तो एक आटे की लोई बना के डाल दो उसके अंदर, पूरा नमक ले लेगी। इतना नहीं पता आप लोगों को, सो सुन लो। बताओ कैसे आप लोग भगवान जाने सहज सागर तुम्हारे आहार कैसे चल रहे हैं? अरे अपने भी वैसे चल रहे हैं, इनको यही नहीं पता। सो कहीं नमक ज्यादा हो कोई बात नहीं, बोले रोटी मत, रोटी जो है ना बिना नमक की बना लो फिर बराबर हो जाएगा। नहीं, एक आटे की लोई दो तीन छोटी छोटी लोई डाल दो, वो नमक को सोख लेगी। समझ रहे राजू भैया? अब काम बिगड़ गया तो बने कैसे? अब बैराग की छोटी छोटी गोलियां डाल के चलो ताकि राग का नमक सूख जाए, तो तुम दाल निकाल के लोई अलग कर देना। आ गया समझ में? सुनने में आया कि समझ में आ गया? बोटू भैया सुनने में आया कि समझ में आ गया? राजेश भैया लेट हो गए आप थोड़ी सा, कोई बात नहीं। काम बिगड़ गया सो बिगड़े काम को देखोगे तो काम सुधरेगा क्या? बोलो। समस्या को देखोगे तो समस्या बनी रहेगी, समाधान ढूंढोगे तो समस्या कभी नहीं बनी रहेगी। कभी समस्या मत देखना। दाल में नमक ज्यादा हो जाए सो मां कोई कह रहा पानी ज्यादा डाल देंगे, कोई कह रहा और दाल डाल लेंगे, अरे तो तुमने और दाल बर्बाद कर दी, खाने वाले तो चार ही लोग हैं। बुद्धि से काम करो, आटे की लोई डाल दो, उससे क्या होगा वो लोई नमक ले लेगी। ऐसे ही समस्या मत देखो, आदर्श समाधान देखो भाई। हमने तो एक दृष्टांत बताया था, आज बताकर समाप्त कर रहे हैं। ये दृष्टांत क्यों दे रहे हैं, उसको दृष्टांत को अपने जीवन में लेके जाना। एक व्यक्ति है पी हाईवे पुल में चल रहा था और उसकी टायर पंचर हो गया कार का। अब पंचर हो गया वो भाई सेठ आदमी विपुल, अब एसी में बैठने वाला उसको कहाँ धूप जम रही है। सो उसने पैर तो 20 मिनट तक सोच रहा, अरे यार पंचर हो गई। सो दिमाग खराब, दुकान में लड़के आए नहीं आए, लड़के नहीं आए उस टेंशन में तुम्हारी टेंशन बढ़ गई। अरे समस्या को नहीं समाधान देखो। तो वो बेचारा टेंशन में क्या करे, अब चलो भैया स्टेपनी बदलते हैं। सो आर्यन उसने स्टेपनी निकाली, जैक लगाया, स्टेपनी बदली, स्टेपनी बदली, सब बदल गया, सब अच्छा हो गया। और उसका हाथ लग गया किस पर, नट पर, तो चारों नट तट पर नदी के नीचे। अब वो टेंशन में, अब क्या करेंगे भैया, अब तो फंस गए, अब तो गए काम से। लकी भाई एक वृद्ध निकला, बोले भैया क्या हो गया? बोले ए आगे चल, बोले परेशान है वैसे ही हम। बोले यार, और बोले बेटा क्या हो गया बताओ तो। बोले क्या करोगे तुम? बोले पुल 5 किलोमीटर लंबा है नदी का, अब 5 किलोमीटर दूर जाना है, हमारे नट चारों नीचे गिर गए, चके गए।
बोले कोई बात नहीं, तीनों चकों की एक एक निकाल के चौथे में लगा लो और चक पुल पार कर लो, वहां जाके नट फिर से लगवा लेना। ये समाधान। उसने पूछा कि तुम्हारी गाड़ी कभी पंचर हुई है? वृद्ध कहता है बेटा मेरे पास गाड़ी नहीं है। बोले आपको कैसे पता? जो वृद्ध ने उत्तर दिया है वो आप सबके लिए है, जिनकी बिगड़ चुकी उनके लिए, जिनकी नहीं बिगड़ी उनके लिए भी। बोले तुम बेटा समस्या देख रहे हो इसलिए तुम दुखी हो, हमारे मस्तिष्क में केवल समाधान चल रहा है क्योंकि हम समस्या नहीं देख रहे। राजेश भैया समाधान ढूंढो, समस्या है तो उसका समाधान भी है। भित्ति है ना दीवाल, दीवाल का ये पक्ष है तो ये भी होगा कि नहीं, कि एक ही तरफ की दीवाल होगी, इसके पीछे भी तो कुछ होगा। तो यहां समस्या है तो यहां समाधान भी है, समझ गए? तो समाधान ढूंढो दादा, समाधान ढूंढो। विपुल ढूंढ लिया क्या? विष खाऊंगा है दीप, यही समाधान है। अजित तो कह रहा कि हम नहीं खाएंगे। अजित मतलब सबसे बोल दें, ओपन कर दें, क्या घोषणा कर दें क्या? बोले अजित बोला अभी नहीं भैया, अभी एक आध दो साल देख लेंगे। बेटा अभी मुस्कुरा लो, खुश हो लो, मामा लाद लो गोद में, मालूम चलेगा। वीरू मुस्कुरा लो बेटा, घर जाके तो सुधरो नहीं है, सही मुस्कुरा लो। आपका समय हो गया। आप सभी इस मोह रूपी मदिरा को किसको छूना भी नहीं, देखना भी नहीं, दूर से छोड़ देना, तभी जीवन सुखमय होगा। सत्य है कि नहीं? वे लेकिन महाराज जी पंचों की बात मानने हैं, नर्दा लेकिन इतई से बहे। रितेश भाई अब आसक्ति तो घटा सकते हो। प्रवीण भैया अब आसक्ति तो घटा सकते हो। माना कि अति से फुल्की खाने की तेरे को आदत है, गुट्टाई चाचा को खूब आदत है, तो भैया 10 की जगह तुम 6 खा लो, थोड़ी तो आसक्ति घटाओ। जो रुच रुच के खा रहे थे उसको अरुचि पूर्वक ले लो, इतना तो प्रारंभ कर सकते हो। अनासक्त भाव जगाओगे तब कहीं जाकर के आप सिद्धों की श्रेणी में आओगे। इस प्रकार समझना, स्नेह से दूर रहना, स्नेह को दूर रखना, तब कहीं जाकर के सिद्ध पर्याय प्राप्त होगी। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। पापरो भासवी भानु शिव खानी है।